नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेरावेल 5.2 फ्रेमवर्क की। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे लेरावेल में मॉडल्स की, ये एक ORM का पार्ट होता है। ORM इसमें एक इम्प्लीमेंट किया हुआ है एलिक्वेंट नाम से, और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि अभी तो कुछ दिन मेरे हिसाब से मॉडल्स और एलिक्वेंट ही चले गए इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो सारे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ORM पे नए हैं, आपके लिए नई चीज़ है, तो एक चीज़ आपको शायद और यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है ORM में स्पेसिफिकली, जब आप काम करते हो तो आपको हर टेबल के लिए एक अलग मॉडल बनाना पड़ता है। मतलब ज़रूरी नहीं, अगर आपको ORM के तरीके से काम करना है, अगर आपको सिंपली एक्टिव रिकॉर्ड से या रॉ डाटाबेस क्वेरीज लगानी है तो कोई इशू नहीं है, आप एक मॉडल बना के सारे उसमें सारे लॉजिक्स उसमें लगा दो, सारी क्वेरीज उसमें लिख दो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। फिर जब आप इतने बड़े फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो उसके जो फीचर्स हैं उसको उसका एडवांटेज भी लेना चाहिए, और वो अच्छे हैं इसीलिए बनती कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई एक्सटेंडेड बनता है, वो तब बनता है जब फ़ायदेमंद होता है, कहीं उसका यूज़ होता है। तो जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो आपको ORM यूज़ करना ही चाहिए। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी मैंने बताया, फिर से बोल रहा हूँ कि हर एक टेबल के लिए आपको एक मॉडल बनाना है, एक क्लास बनानी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जितने जो भी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी टेबल को, आपकी एक रो को, या फिर मल्टीपल रोज को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कलेक्शन हो सकती है मल्टीपल रिकॉर्ड्स की, मल्टीपल कलेक्शन ऑफ मॉडल्स हो जाती है फिर वो, लेकिन जो मॉडल है वो पर्टिकुलर एक रो को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रो जो होती है एक टेबल की, वो एक तरह की होती है, हर टेबल की रो सेम तो हो नहीं सकती, इसलिए हर टेबल के लिए एक डिफरेंट मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको एक मॉडल मिलता है user.php, जो ये आपको मिला है बना हुआ। अगर आप नेविगेशन में देखो तो ऐप फोल्डर के अंदर आपका user.php, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। लेकिन जो ये मॉडल है हमारा और जो हम बाकी मॉडल्स बनाते हैं उसमें, उनमें और इसमें डिफरेंस है, वो क्या है इसमें, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि लेरावेल जो है वो आपको ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथराइजेशन जो है आपको इनबिल्ट देता है। आपको कोई भी उसके लिए लाइब्रेरी एक्सटर्नल फेच करने की या अपना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन के लिए इसके फंक्शन दिए हुए, आप उसको लॉगिन कराओ, लॉग आउट कराओ, डायरेक्टली फंक्शन कॉल करने हैं आपको और वो काम करता है। वो चीज़ जो है वो बेसिकली काम करता है मॉडल के साथ। आपको किसी ना किसी टेबल से ऑथेंटिकेट कराना है जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, तो वो ये एज्यूम करता है लेरावेल कि आपने यूज़र्स नाम की टेबल बनाई हुई है और उसको आपको उसमें से ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। उसके लिए ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट user.php एक मॉडल बना के दे देता है साथ में। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं वो, हालांकि वो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो हम लोग जब ऑथेंटिकेशन करेंगे बाद में तब देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मॉडल है user.php जो हम बाकी मॉडल्स बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है कि देखिए, जो हम लोग एक्सटेंड करते हैं क्लास, जो हम कभी नॉर्मल कोई एक मॉडल बनाएंगे दूसरा, वो एक्सटेंड करेगा एलिक्वेंट मॉडल को, और ये एक्सटेंड कर रहा है ऑथेंटिकेबल को। क्लास यूज़र एक्सटेंड्स ऑथेंटिकेबल, ये ऑथेंटिकेबल क्या है, ये इसने ऊपर यूज़ किया हुआ है एलिमिनेट फाउंडेशन auth/user एज ऑथेंटिकेबल, यानी कि ये auth/user क्लास की auth/user क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। इसको इसने यहाँ पे अलाइज दे दिया क्योंकि इस क्लास का नाम भी यूज़र है और इसका भी यूज़र है, तो वो ये तो हो नहीं सकता कि क्लास एक्सटेंड्स यूज़र, क्लास यूज़र एक्सटेंड्स यूज़र, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए इन्होंने इसका नाम चेंज करके यहाँ पे इसको अलाइज दे दिया ऑथेंटिकेबल। ये नेम स्पेस मेरे हिसाब से आपको पता होंगे ही, अगर नहीं पता तो नेम स्पेसेस वाला वीडियो पहले देख लें ताकि आपको फंडा क्लियर हो जाए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके ऊप्स पहले क्लियर होने चाहिए, तब आप किसी फ्रेमवर्क पे जाओ। और लेरावेल खास तौर पे जब ये इतना बड़ा हो गया है अब तो, ये काफ़ी अच्छे खासे स्केल का प्रोजेक्ट है, तो इस पे आने से पहले तो आपके ऊप्स बहुत ज़बरदस्त शानदार स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इसको अलाइज दे दिया ऑथेंटिकेबल और फिर इसको एक्सटेंड कर लिया, तो अल्टीमेटली क्लास यूज़र जो है एक्सटेंड कर रही है एलिमिनेट फाउंडेशन ऑथ यूज़र क्लास को, और ये जो यूज़र क्लास है ये खुद एक्सटेंड कर रही है मॉडल को, जो कि सारे के सारे
मॉडल्स हमारे एक्सटेंड करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्लास, अगर इसको हम देखें यूज़र डॉट पी एच पी ये वाली, तो यहाँ पे आप देखो क्लास यूज़र एक्सटेंड्स मॉडल। अब ये मॉडल कौन सा है, ये वाला एलिमिनेट डाटाबेस एलिक्वेंट मॉडल। तो जो क्लास यूज़र एक्सटेंड कर रही है मॉडल को, उसके बाद ये कुछ इसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी कि इंटरफेसेस, इंटरफेस को कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें। ठीक है, ये इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये वाले ट्रेट्स यूज़ कर रहा है, ऑथेंटिकेबल, ऑथराइजेबल, कैन रीसेट पासवर्ड। अब ट्रेट्स भी मैंने किए हुए हैं कवर, तो वो भी आप देखो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये एक्सटेंड कर रहा है एलिक्वेंट मॉडल को, जिसको हमारे सारे के सारे डाटा सॉरी मॉडल्स एक्सटेंड करेंगे। लेकिन इसमें इसने बीच में कुछ और फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट कर दी है, जो कि है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और कैन रीसेट पासवर्ड। यानी कि पासवर्ड रीसेट जो करते हैं ना, यूज़र को ईमेल जाती है, लिंक जाता है, उस पर क्लिक करके वो नया पासवर्ड सेट कर लेता है, वो सारे की सारी फंक्शनैलिटी इसमें बनी बनाई मिल रही है आपको, सिर्फ उसको यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें तो अलग टॉपिक हो गया, ये हम करेंगे बाद में। फ़िलहाल हमें मॉडल देखने हैं और हम एक नया मॉडल बनाते हैं यहाँ पे, अगर तो हम कर सकते हैं यहाँ अपना राइट क्लिक करके और न्यू फाइल बना दें, उसमें हम लोग मॉडल बना सकते हैं। लेकिन उसका फिर एक दूसरा तरीका है, जो हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं, आर्टिसन करके कमांड लाइन दी हुई है, जिससे हम लोग फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अपने डायरेक्टरी में, इसके वाली प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, एप्लीकेशन मैम्प एचटी डॉक्स और L5। यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और इसका नाम हम लोग दे देंगे, एक नया मॉडल बनाते हैं, मान लीजिए कस्टमर बना दिया मैंने, मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये देखिए ऐप के अंदर कस्टमर डॉट PHP इसने बना के दे दी। ये आपको एक ब्लैंक मॉडल दिख रहा है, थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा समझने में, क्योंकि अगर आप इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, अगर आप ये यूज़र डॉट PHP को देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, फिलेबल और हिडन, ये चीज़ें आपको अभी पता नहीं है। तो ब्लैंक जो होता है एक मॉडल, वो इस तरह से होता है, इसमें आप नेम स्पेस देते हो, उसके बाद यूज़ करते हो एलिक्वेंट मॉडल और उसको एक्सटेंड कर लेती है क्लास। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लेरेवल मॉडल जिसको आप कह सकते हो है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि हर मॉडल की एक अलग टेबल होती है, हर टेबल का एक अलग मॉडल होता है, तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल से पहले डाटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे डाटाबेस कॉन्फ़िगर भी नहीं किया। तो वो हम लोग बनाते हैं, वो बनाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, उसमें हम लोग डाटाबेस बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, टेबल बनाएंगे और फिर एक नया कस्टमर भी शायद बनाएंगे उसमें, और इसके उससे पहले उसकी वो समझेंगे हम लोग इसके कन्वेंशंस, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने बात कर रहा था कि इसके कुछ कन्वेंशंस हैं, जो जादू चलता है चलता कैसे है। ठीक है, वो भी देखेंगे, और अभी इसको यहीं तक रखते हैं। मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कोई भी डाउट्स हैं तो उसको कमेंट में छोड़ें, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। और शेयर भी करें इस वीडियो को, और हमारे को फेसबुक पे भी लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, उस पर बहुत थोड़े से लाइक है यार, प्लीज़ लाइक करो, facebook.com/YouTube Tutor, और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।